नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ एक स्वीट रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें गैस जलाने की ज़रूरत है। इस स्वीट रेसिपी को यानी मिठाई को बच्चे भी बहुत खुश होकर खाते हैं। आप किसी भी फेस्टिवल पे इसे बना सकते हो। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ पे देखिए, इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 2 पैकेट बिस्किट लिए हैं, एक मारी गोल्ड के, एक ओरियो के। और ओरियो बिस्किट की जगह पे आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हो। तो यहाँ पे हम बिस्किट को खोल लेते हैं। देखने में बहुत ही अच्छी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार अपने घर में। और ये देखिए, दोनों पैकेट को मैंने खोल लिया है। तो हम एक ले लेंगे मिक्सर जार, और जो ये मारियो गोल्ड बिस्किट है उसे हम तोड़ के इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे बारीक पीसना है। सारी बिस्किट को तोड़ के इस तरीके से डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से पीस लिया है, पर इसे अभी भी हम एक स्टेनर लेंगे और उससे छान लेंगे, ताकि कोई भी मोटा टुकड़ा हमारे मिठाई में ना आए। और ये देखिए, इस तरीके से हम छान लेते हैं। और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा इसमें बचा है, सारा बिस्किट हमने छान के एक साइड में रख लिया है। अब ओरियो बिस्किट को भी हम मिक्सर में डाल के बहुत बारीक पीस लेंगे। तो इस तरह से तोड़ते हुए डाल लेते हैं, क्रीम को हम नहीं निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए, ओरियो बिस्किट को भी मैंने एकदम पाउडर फॉर्म में पीस लिया है। और अब इसे हम छान लेते हैं, ताकि जो भी मोटे टुकड़े हों वो निकल जाएं इसमें से। इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए छानेंगे, क्योंकि इसमें जो क्रीम है उसको भी हम पीसते हैं तो थोड़ा सा गीलापन होता है। और यहाँ पे हमने छान लिया है और बहुत थोड़ा सा निकला है इसमें से, ये मोटा टुकड़ा। देखिए, हम एक साइड में रख लेते हैं। और अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा दूध, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक डो बना लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत सारा दूध एक बार नहीं डालेंगे, बस चम्मच में थोड़ा थोड़ा दूध उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे और एक डोसा बना लेंगे। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं। और इसका बहुत हार्ड डो भी नहीं बनाना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। हार्ड बनेगा तो फिर हम मिठाई को नहीं बना पाएंगे, सॉफ्ट बनेगा फिर भी हम मिठाई को नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक अच्छा सा डो बनाना है, देखिए इस तरीके से। और अब देखिए, यहाँ पे हमने डो बना के तैयार कर लिया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ओरियो बिस्किट है और उसका हमने डो बना लिया है। और इसमें क्रीम है तो हमें कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम डो बना के एक साइड में रख लेते हैं। और ये मारी गोल्ड का जो पाउडर सा हमने बनाया है, उसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर, क्योंकि ये मीठा नहीं होता है, हल्का मीठा होता है। तो हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे और इसे मीठा कर लेंगे। आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हो। और मिल्क पाउडर डाल के मैं इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के इसका भी एक डो बना लूँगी, आटे की तरह गूंथ लूँगी इसे। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल चीनी का प्रयोग नहीं किया है, आप चाहो तो मिल्क पाउडर और चीनी दोनों डाल सकते हो। आप चाहो तो 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दो, 1 चम्मच चीनी डाल दो, दोनों चीज़ों को डाल सकते हो। क्योंकि ये जो मारी गोल्ड बिस्किट है वो हल्का मीठा होता है और मुझे ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बस मिल्क पाउडर ही डाला है। और अब इसका डो बना के इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने इस तरीके से डो बना के तैयार कर लिया है। और आप यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि डो ज़्यादा हार्ड ना हो, यानी टाइट ना हो। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बना लिया है। और अभी भी थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो मैं हल्का दूध डाल के इसको सॉफ्ट कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए, हमारा डो जो है वो बन के बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे इस तरीके से ले कर रोल कर लेती हूँ। तो पहले हमने मारी गोल्ड जो बिस्किट है उसका रोल कर लिया है। तो एक लंबा सा रोल हो रहा था तो मैंने बीच में से कट कर लिया। और इस तरीके से कर लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे से पीस बना लेंगे, बहुत छोटे छोटे से पीस बनाएंगे, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे मैं बना रही हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे से पीस कट करके रख लेंगे। हमें यहाँ पर पीस इस तरीके से कट करना इसलिए ज़रूरी है कि सारे पीस बराबर हों। और ये देखिए, यहाँ पर अब जो मारी गोल्ड बिस्किट है उसका भी हम इसी तरीके से रोल बना लेंगे। और सेम प्रोसेस से हम इसे भी छोटे छोटे से कट करके रख लेंगे। दोनों की साइज़ आपको बराबर रखनी है, जैसे हमने मारी गोल्ड बिस्किट का रोल कट किया था उसी तरीके से रोल को कट करेंगे। और यहाँ पे जब आप ये गोले बनाते हैं तो हाथों को अच्छे से प्रेस करके बनाएं। ये देखिए, अच्छे से प्रेस कर दें हाथों से तब बनाएं। ये देखिए, यहाँ पे हमने प्रेस करके बना लिया ताकि गोले चिकने हों। ये देखिए, और इसी प्रोसेस से हम सारे गोले, दोनों तरह के गोले बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम दोनों तरह के गोले बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें लेने हैं 3 ओरियो वाले गोले लेने हैं और 3 हमें मारी गोल्ड के गोले लेने हैं। ये मैंने ले लिया है। और इस तरीके से आपको एक के साथ एक गोलों को लगा देना है,
यानी कि एक मारीगोल्ड का और दूसरा ओरियो का। इस तरीके से गोलों को लगा देंगे और हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से गोल कर लेते हैं और ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। बस हमारी मिठाई बनके तैयार है और आप देख पा रहे होंगे कि देखने में कितनी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है और खाने में भी ज़बरदस्त है। तो आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए, यहाँ पे हमने बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप इसके बीच में चाहें तो टूटी फ्रूटी लगा सकते हैं या फिर जो आपका मन हो बीच में इसको गार्निशिंग कर सकते हैं। ये देखिए, एक प्लेट में रख लिया और मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ कि इस मिठाई को मैंने कैसे बनाया है, ताकि आप अच्छे से इसे बना पाएँ और जब आप बनाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखिए, हम इस तरीके से एक एक गोले को लगाते जा रहे हैं। ये देखिए, तीन मैंने मारी गोल्ड बिस्किट के लिए हैं और तीन मैंने ओरियो के गोले लिए हैं। और इस तरीके से हम इसे घुमा के और प्रेस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और इसमें बहुत ज़्यादा चिकना इसलिए लग रहा है क्योंकि ओरियो बिस्किट में जो क्रीम है उसकी वजह से आपको घी सा लग रहा होगा, नहीं तो मैंने इसमें कोई घी या किसी ऑयल का प्रयोग नहीं किया है। और देखिए, सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे सारी मिठाई बना के तैयार कर ली है। और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टूटी फ्रूटी। ये टूटी फ्रूटी भी मेरी होममेड टूटी फ्रूटी है। और ये देखिए, आप चाहें तो ग्रीन कलर का लगा लें, आप चाहें तो ऑरेंज, रेड, जो भी मन हो वो लगा लें। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो टूटी फ्रूटी है उसे लगा रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इस पे लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लगा देंगे। और इस मिठाई को देख के कोई बता भी नहीं सकता है कि ये मिठाई सिर्फ बिस्किट से बनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से लगा लेंगे यहाँ पे। और बस अब हमारी मिठाई बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। आप इसे जिस टाइम चाहें यानी जिस फेस्टिवल पे चाहें बना सकते हैं। और मेरी ये मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।